हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। ये आप देख सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति करके है। झारखंड संयुक्त असैन्य सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का जो है विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे 01/2021 के संबंध में आपसे सूचना है। यहाँ पर क्या कह रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा प्रतियोगिता 2021 विज्ञापन संख्या 01/2021 दिनांक 28/1/2022 से लेकर के दिनांक 30/1/2022 तक रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों यानी विभिन्न केंद्रों में दो पलों में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे जो है जो पीटी एग्जाम पास कर चुके हैं जितने भी कैंडिडेट्स, उसको अब मेंस का जो है रिटर्न वाला एग्जाम वह होगा आपका 28 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी, यानी कि इन 3 दिनों में रांची जिला में एग्जाम होगा। वो भी दो पाली में एग्जाम को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या कह रहा, परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम अन्य सूचनाएं बाद में प्रकाशित की जाएगी। यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो ये खाली यहाँ पे जो डेट है वो डेट को पूरा बता दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक एग्जाम होगा दो पाली में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में, ये भी रांची जिला में ही केवल होंगे। और इसके लिए जो है आप यहाँ पे जो बाद में जितने भी चीज़ें जारी की जाएंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पे जो है उसका वेबसाइट ये भी यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पर सचिव भी देख सकते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग रांची की ओर से। दोस्तों यहाँ पे हंगामा तो बहुत ही चल रहा है पीटी एग्जाम रद्द करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कह रहा है कि आपका एग्जाम जो लिया जाएगा पीटी एग्जाम वो 28 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हंगामा चल रहा है। फिर भी यहाँ पे आयोग की ओर से एग्जाम लिए जाने की पूरी संभावना है जो कि रांची जिले में आयोजित किया जाएगा। तो यही एक नया और इम्पोर्टेंट अपडेट है जेपीएससी की ओर से। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, डेट आ गया है क्लियर। तो जितने भी कैंडिडेट्स पास किए हैं और जिनको एग्ज़ाम लिखना है, एग्ज़ाम देना है, वे लोग अब तैयारी करने लग जाए, क्योंकि अब बहुत ही जल्द ही एग्ज़ाम को लेकर के और कुछ नोटिस आएगा। तो जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही अपडेट्स भी बताए जाते हैं। तो यही था अपडेट, आप लोगों को पूरी तरीके से ध्यान रखना है।